दोस्तों जमीन के अंदर से तेल निकालना इतना आसान नहीं है। तेल निकालने के लिए लोहे के पाइप के अंदर यह प्लास्टिक पाइप जिसे पी लाइन और एचडीपी कहा जाता है इसको डाला जाता है ताकि अंदर पाइप जल्दी से खराब ना हो। लेकिन डालने से पहले पाइप को जोड़ना पड़ता है जिसके लिए फ्यूजन मशीन हीटर प्लेट और ट्रिमर और हाइड्रोलिक प्रेस की जरूरत होती है। इसके लिए सबसे पहले फ्यूजन मशीन के अंदर दो पाइप डाला जाता है। पाइप डालने के बाद इसको पाना की सहायता से इसको टाइट कर लेना है। साथ में इसका अलाइनमेंट भी देखना काफी जरूरी होता है, नहीं तो ज्वाइंट खराब हो जाएगा। अलाइनमेंट होने के बाद पाइप के फेस को ट्रिमर की मदद से काट कर बराबर कर दिया जाता है। करने के बाद इसको साफ कपड़ा से क्लीन किया जाता है ताकि ज्वाइंट में कोई दिक्कत ना हो। एक बार क्लीन होने के बाद दोनों पाइप के बीच में हीटर प्लेट डाल दिया जाता है और हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इसको दबा कर रखा जाता है। हीटर प्लेट का तापमान लगभग 225 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसको लगभग 175 सेकंड से 180 सेकंड के बीच तक इसको गर्म किया जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से इसको अलग करके हीटर प्लेट को निकाल दिया जाता है। निकालने के 5 सेकंड के भीतर ही दोबारा हाइड्रोलिक प्रेस करके दोनों पाइप को ज्वाइंट कर दिया जाता है। हीटर की वजह से पाइप गर्म हो जाती है और मेल्ट हो जाता है, जिसको हाइड्रोलिक प्रेस से दबाने पर यह चिपक जाता है और इस तरह से हमारा ज्वाइंट तैयार हो जाता है। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।